तो नथिंग फॉर वन आ तो गया बट इसकी एक्सेसरीज कौन सी ले बॉक्स में ना आपको चार्जर मिलता है ना आपको कवर मिलता है तो मैंने पच्चीस सौ रुपए स्पेंड करके इसका ऑफिशियल टेम्पर्ड क्लास एंड ऑफिशियल कवर मंगवा लिया है देखते हैं कि ये वर्थ इट है या फिर <laughs> वैसे मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ मैं यूजुअली इतनी महंगी एक्सेसरीज नहीं खरीदता बट मैंने इस बार मंगवाई है बिकॉज आप लोगों ने मुझे पूछा था एंड सेकंड थिंग इज अभी अगर आप एमेजन पे जाओगे तो कवर आपको अगस्त या सितंबर की डेट दिखा दिखा रहा है एंड ग्लास अभी दिखा रहे काफी ऑनलाइन बट वो ढंग से फिट नहीं होता है तो ऐसे ऑनलाइन कोई भी लिस्टिंग देख के उल्लू मत बन जाना एक्चुअल ग्लास के फोटोज देखो या रिव्यूज देखो उसके बाद टेम्पर ग्लास खरीदना वरना आपका तो सच में है यहाँ पे पहले टेम्पर ग्लास की बात कर लेते हैं तो ये हजार रुपए का ग्लास है बॉक्स के अंदर आपको एक इंस्टॉलेशन फ्रेम मिलती है क्लीनिंग किट मिलती है

क्लॉथ मिलता है डर मिलता है क्लॉथ से एकदम अच्छी तरह से स्क्रीन को साफ कर लो चका चक कर राइट में होना चाहिए निकाल लो वेरी इजी बिकॉज यहाँ पे अगर कुछ भी रह जाएगा तो बबल आएगा और फिर आप नथिंग को गाली दोगे इंस्टॉलेशन अच्छा नहीं हुआ फिर तो क्या ही करना है जो हमारा ग्लास है बैक पैनल से आप सेपरेट करो एंड यहाँ पे अलाइन करके इंस्टॉल कर दो नथिंग रेकमेंड करता है कि बॉटम एच से आपको अलाइन करना और फिर इंस्टॉल करना है मैंने ऐसा किया और मेरा एकदम आउट ऑफ अलाइन ग्लास इंस्टॉल हो गया मैं रेकमेंड करूंगा ये जो टॉप में कटआउट है वहां से अलाइन करो तो आपका ग्लास एकदम इंस्टॉल होगा एंड यहां पे फिर सिंपल है यार खाली ये स्क्वीजी कार्ड से घुमा दो एंड सारे बबल्स है वो निकल जाएंगे दो चार बबल शायद आपको दिखेंगे वो भी आप ड्रैग आउट कर सकते हो एंड फिर ग्लास एकदम मस्त इंस्टॉल हो जाएगा फोन पे नो कम्प्लेन हियर वैसे स्क्रीन प्रोटेक्टर है काफी अच्छी क्वालिटी का हजार रुपए ले रहे तो क्वालिटी तो अच्छी देनी है जो इनवीजी ग्लासेस मैंने पहले रिव्यू की है वैसी टाइप की क्वालिटी है यहाँ पे है स्लाइटली कर्व्ड है तो एकदम शार्प नहीं है ये फोन पे फ्लैट एज है बट जो ग्लास है उस पर हल्का सा कर्व है तो जब आप हाथ घुमाओगे ना तो आपको रफ नहीं लगेगा ग्लास वो शार्प नहीं लगेगा ऐसे काफी सस्ते ग्लासेस में होता है एक और चीज मैंने नोटिस की कि यहां पे फ्रंट कैमरा का कटआउट नहीं है बट अगर आप हाई क्वालिटी ग्लासेस यूज करोगे तो सेल्फी क्वालिटी अफेक्ट नहीं होती है लोगों के मन में ये है कि ऐसे ग्लास आ गया तो कैमरा क्वालिटी खराब हो जाएगी ग्लास की क्वालिटी पर डिपेंड करता है वो एंड यहां पे इन्होंने प्रोक्सिमिटी सेंसर का भी कट दिया है जो मुझे समझा नहीं क्योंकि ट्रांसपेरेंट ग्लास है ये एंड मुझे काफी नॉलेज है टेंपर्ड ग्लासेस का तो ट्रांसपेरेंट ग्लास में जरूरत नहीं होती है बट ठीक है यार मतलब दे दिया तो क्या ही कर सकते हैं मुझे उससे उतनी दिक्कत नहीं है बट द बद ग्लास इज गुड टच की फील काफी यहां पे फील्स वेरी स्मूथ वो प्लास्टिक स्क्रीन प्रोटेक्टर के कंपेरिजन में तो काफी मक्खन वाली फील देता है ये फिंगरप्रिंट सेंसर भी एकदम बढ़िया चलता है एंड ये केस के साथ भी कंपेटेबल है केस की अगर हम बात कर ले तो ये पंद्रह सौ रुपए का केस है एंड यहां पे थोड़ा ज्यादा कर दिया नथिंग ने हजार के नीचे होनी चाहिए थी इसकी प्राइसिंग बिकॉज इसकी बैक पैनल तो पॉलीकार्बिनेट है तो क्वालिटी अच्छी है इसकी ये येलो नहीं होगा बट जो साइड्स है दैट इज यू तो साइड्स आपकी एक महीने में दो महीने में चार महीने में डिपेंडिंग आपका यूसेज कैसा है येलो तो होने ही वाली है तो अगर चार सौ का केस होगा एंड साइड येल्लो हो जाती तो ठीक है यार पांच छह सात महीने में हम बदल सकते हैं बट पंद्रह का केस दैट्स अ लिटिल बिट स्टीप एंड पॉलीकार्बेनेट शाइनी मटीरियल होता है लगता है एकदम मस्त है बट इसमें

टेम्पर्ड ग्लास अगर आपको अभी चाहिए तो आप नथिंग वाला ले सकते हो क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है खाली थोड़ा एक्सपेंसिव है बट इफ यू कैन वेट फोन स्क्रीन प्रोटेक्टर के साथ आता है स्क्रीन प्रोटेक्टर मत निकालो चार सौ पांच सौ के टेम्पर ग्लास अच्छे आ जाएंगे तो आप यूटिलाइज कर लेना मैं भी एक वीडियो लेके आऊंगा जब ग्लासेस अवेलेबल होंगे इन अ मोर बजट प्राइस सो बेसिकली दैट्स अबाउट इट ऑफिशियल एक्सेसरीज का रिव्यू आपने अगर इनमें से कुछ खरीदा है तो आपका फीडबैक कॉमेंट्स में बताओ ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स है एंड वन अगेन आई एम से अगर आप टेम्पर्ड ग्लास ले रहे हो तो सोच समझ के लेना फिटिंग यूजली नहीं होता है बराबर स्पेशली फॉर अ न्यू फोन लाइक दिस दैट्स इट फॉर नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा लाइक like करो नहीं अच्छा लगा दो बार डिसलाइक कर लेना स्टे सेफ और मैं इसके और ढेर सारे वीडियोज जल्दी लेके आने वाला हूँ बाय बाय